18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीतिसार नाम का अध्याय है। इस अध्याय में जीवन को सुखी और सफल बनाने की नीतियाँ बताई गई है। जो लोग इन नीतियों का पालन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार इस पुराण में 6 ऐसी बातें बताई गई है जिनकी मदद से हम कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किसी भी काम में स्थायी सफलता तभी मिलती है जब अंतिम समय तक धैर्य का दामन थामे रहती है। जिस पल धैर्य छोड़कर जल्दबाजी करती है उसी पल से असफल होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, हमेशा धैर्य बनाए रखें। क्रोध की वजह से सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। क्रोधी व्यक्ति के जीवन में और घर में शांति नहीं हो सकती। जहां अशांति होती है वहां दरिद्रता का आवास होता है। क्रोध को काबू करने के लिए मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए। क्रोध काबू करने से बिगड़ते काम भी सुधारे जा सकते हैं। हमें कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। विचारों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग मन और शरीर की पवित्रता बनाए रखते हैं उन्हें देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है। मन की पवित्रता अच्छे विचारों से होती है और शरीर की पवित्रता साफ सफाई से होती है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। समय समय पर ऐसे लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते रहना चाहिए। दान करने वाले व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। घर परिवार हो या समाज, हमें मीठे वचनों यानी वाणी का उपयोग करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिनसे किसी के मन को ठेस पहुंचती है। मित्रों और शुभचिंतकों का विरोध नहीं करना चाहिए। मित्रों की मदद से बुरी परिस्थितियां दूर की जा सकती है। मित्रों से रिश्ते हमेशा मधुर बनाए रखना चाहिए। ये 6 नीतियाँ आपको जीवन में सफल बना देगी।